दोस्तों आज की यह वीडियो केवल AKTU के छात्रों के लिए ही नहीं देश भर के छात्रों पर आए नए संकट को लेकर के है। जहां एक तरफ परीक्षाओं को लेकर के असमंजस बना हुआ था वो अब थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, वहीं अब दूसरी तरफ कॉलेजेस के द्वारा छात्रों पर जल्दी से जल्दी फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। फीस के लिए छात्रों को कॉल, SMS, मेल, कॉलेज के नोटिस बोर्ड और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रसारित करना शुरू कर दिया है। अगर आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने कॉलेज से प्राप्त हुई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा अपने छात्रों को ये समन भेजा गया है फीस जमा करने के लिए। AKTU के प्रतिष्ठित कॉलेजों का ये हाल है, क्रीमी लेयर वाले कॉलेजेस का ये हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं AKTU के दूसरे कॉलेजेस में क्या हालात होंगे। वैसे तो फीस कॉलेजेस की तरफ से हर साल ही ली जाती है अपने छात्रों से, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें गलत क्या है। तो इसके लिए केवल मुझे एक मिनट दीजिए दोस्तों, एक मिनट में आप पूरी बात समझ जाएंगे। 18 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। जो रेलवे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं रुकी वो इस लॉकडाउन के दौरान रुक जाती है। पूरा देश घर में लॉकडाउन हो जाता है, यहाँ तक कि वो बैंक जो हर महीने किस्तों के लिए टेंशन देते हैं सभी को, वो भी 6 महीने के लिए रुक जाते हैं। तो कुछ तो शर्म करनी चाहिए इन कॉलेजेस को कि इस वक्त वो कम से कम कुछ समय तो छात्रों को दें ये फीस जमा करने के लिए। पूरा देश इस वक्त बेरोजगारी से गुजर रहा है, किस प्रकार से लोग अपना खर्चा चला रहे हैं इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। भाइयों, मैं यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि कॉलेजेस को फीस नहीं लेनी चाहिए। कॉलेजेस हैं, कॉलेज प्रशासन है, सब कुछ करने में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके और उसको चलाने में पैसे की ज़रूरत होती है जो कि छात्रों से ही आता है। हम बस इतनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि में लोग बेरोजगारी में लंबे समय तक रहे हैं और अभी देश पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ है, अनलॉक होने की तरफ बढ़ रहा है, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कॉलेज को भी फीस के लिए दिनों का नहीं महीनों तक का समय छात्रों को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेने की ज़रूरत है और सभी छात्रों की फीस के लिए कोई एक निश्चित अवधि समय सीमा तय करने की ज़रूरत है जो सभी कॉलेजेस के लिए मान्य हो। दोस्तों, कोरोना के इस संक्रमण से देश में ऐसे हालात पैदा हुए हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुए, इसीलिए देश को वापस पटरी पर लाने के लिए भी ऐसे फैसले लिए जाने की ज़रूरत है जो इतिहास में पहले कभी नहीं लिए गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रशासन तक ये आवाज़ पहुंच सके और इस दिशा में भी कुछ सही डिसीजन लिए जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।